नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजित गोस्वामी और आप देख रहे हैं जी स्मार्ट केयर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं तिलस्मी मोती के बारे में ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके, सही इसकी जानकारी मिल सके और क्या इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सब कुछ आपको मैं बताऊँगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो यह तिलस्मी मोती। सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ कहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दोस्तों हैदराबाद में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। एस अब्दुल रशीद करके एक ज्योतिष हैदराबाद में वो इसको मैन्युफैक्चर करता है। अब दोस्तों एमआरपी की बात करते तो इसके अंदर एक पंच धातुओं का बना हुआ एक मोती है और उसके साथ में एक काला धागा लपटा हुआ है और उसकी एमआरपी है दोस्तों 25 रुपये। 25 रुपये एमआरपी है, आप देख सकते हो इस टाइप का दोस्तों इसके अंदर धागा लपेटा हुआ है। इसके ऊपर कागज़ है, उसमें सब मैनुअल है किस तरह इस्तेमाल करना है, सब कुछ ये मैनुअल में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस मोती की। तो अगर दोस्तों आप इसको परचेस करते हो, आप अपने बच्चे के लिए यूज़ करना चाहते हो, अगर आपके बच्चे को दांत आने की प्रॉब्लम है, दांत उसका नहीं आ रहा है या उसको दांत आने वक्त बहुत तकलीफ़ हो रही है, अगर आप हाँ रेगुलर दोस्तों 8 से 10 महीने के अंदर बच्चों को दांत आ जाता है, फिर भी दोस्तों बच्चे को दांत नहीं आ रहा है, तो आपको ये जो मोती है उसके गले में उसकी स्किन को, इसकी छाती को जैसे स्पर्श करे उस टाइप बांधना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपको एक यूज़ करे तो भगवान ना करे आप मेरी एक सलाह ले लीजिए। ये जो काला धागा दोस्तों कहाँ से आता है, क्या होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन काला धागा कभी भी अपने बच्चे पे अप्लाई मत कीजिए। ये मोती को आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत 100% ये श्योर है, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काला धागा आप अपने हिसाब से खुद का जो भी आप पंडित जी ज्योतिष से मंदिर के पुजारी जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो उसके आप काला धागा बनवा लीजिए और वो धागा दोस्तों यूज़ कीजिए। पता नहीं धागा कहाँ से आता है कैसा होगा, तो आप अपने बच्चे पर रिस्क मत लीजिए, आप दूसरा कोई धागा अपने हिसाब से पहनाइए। तो दोस्तों क्या होगा अगर आपके बच्चे को, बहुत दोस्तों रिजल्ट वाला चीज़ है, कोई फालतू चीज़ नहीं है, अगर आपके बच्चे को दांत नहीं आ रहा है, दांत आने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो दोस्तों एक साल का आपका बच्चा हो गया उसको दांत बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आपको इसको पहनाना चाहिए, लेकिन धागा अपने हिसाब से पहनाना। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, कोई भी मेडिकल स्टोर पर दोस्तों आपको नहीं मिलेगी ये, कुछ कुछ मेडिकल पे मिल जाएगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपको 100% मिल जाएगी, आप हैदराबाद से हो तो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, लेकिन शहर के बहुत सारे मेडिकल में अवेलेबल रहता है, तो आप परचेस कर सकते हो और आपके बच्चे को अगर दांत आने की शिकायत है, दांत नहीं आ रहा है, तो इसको पहना सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, तो उसको दांत आने में कोई तकलीफ नहीं रहेगी और आसानी से उसको दांत आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।